हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जैसे कि हम हैं। तो आज क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। टुडे इट वाज सो हॉट, रिकॉर्ड हॉट था आज डे। इतनी हॉट थी कि ट्रस्ट मी, सुबह से लेके टिल नाइट तक कोई होस्ट कोई खबर नहीं। जस्ट कोई खाना वाना नहीं बनाया उस टाइम तक, सुबह से इवनिंग तक। जस्ट हमने आज, मैंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स ही बना के दिए। सबसे पहले मेरी बेटियाँ मुझे कहती है, मामा हमने शेक पीना है, तो उनको मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना का शेक बना के दिया। और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया लस्सी, योगर्ट की लस्सी जैसे मैं बताती हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा मेरा भी दिल किया, फिर मैंने ना स्ट्रॉबेरी और इसमें थोड़ा सा शुगर डाली, फिर आइस को थोड़ा सा कूट के ना वो डाल दिया, क्योंकि मुझे स्लश पीना था। तो मैंने फिर अपने लिए आए, दिल तो बच्चा है। कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को कहूँ, क्यों हंसते हो मुझ पर? कितनी दफ़ा मैं कहती हूँ दिल तो बच्चा है ना, कुछ भी दिल कर सकता है, तो बस बनाओ खाओ मौज करो। क्योंकि आप किचन के, अपने घर के आप खुद बॉस हो, इसने तो बस। फिर इस दिल के बच्चा ने कहा कि मुझे स्लश पीना है, तो मैंने कहा अच्छा जी मैं आपको स्लश बना के देती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए स्लश बनाया। तो बच्चे कहते मम्मी यू मेड स्लश फॉर योर सेल्फ, वाई कॉन्ट वी हैव इट। आई सेड लो मेरी जान, आप लोग भी लो। फिर उनको अपने लिए मैंने बड़ी गिलास में लिया, तो उनको मैंने छोटी छोटी गिलासों में दे दिया। उन्होंने अपने स्ट्रॉबेरी शेक भी पिया था, फिर उन्होंने मुझसे स्लश भी लिया। देख ले ममता कितनी होती है ना, ममता जान निसार, ममता जान निसार कर देती है, ठीक है ना। ममता, मैं ममता मतलब मदर, ममता कुलकर्णी नहीं। एनीवेज तो ये देखे इतना ज़बरदस्त ये बना था ना, मैंने कहा क्या यार, लोग स्टारबक्स जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, घर में ये देखो ना कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी वाला साब होता है। तो बस मैं तो बस इसी चक्करों में रहती हूँ कि घर में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना दूँ। तो एनीवेज इतनी गर्मी थी, तो भाई को मैंने कहा, मैं कहा मेरा भाई बाहर जाके हमें खाना ला दो। तो एनीवे वो बाहर गए, तो फिर बच्चों के लिए चिकन चिप्स वगैरह ले आए, तो सब ने फिर वही खा लिया, क्योंकि मॉर्निंग में तो सब ने ये पी लिया था सारा, ये शेक वगैरह ये। इसको देखे शाली को, इसको बहुत पसंद आया। एंड शी सेड मम्मी कैन हैव दैट वन एंड यू कैन गेट अनदर वन। आई सेड नो आई विल गिव यू अनदर वन। तो फिर उसका उन दोनों को मैंने ऐसे ग्लास है उसमें डाल दिया, मैंने कहा चलो तुम ये इसमें लो, पियो खाओ मौज करो। तो फिर बस उनको बना के दिया, सारे खुश थे अपने अपने शेक लेके कि हाँ हमने ये पिया। तो मेरे हस्बैंड और भाई को मैंने लस्सी दे दी। और फिर थोड़े से कपड़े थे, इतनी हॉट थी कुछ नहीं था, और चूल्हा तो जलाने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। तो बस मैं विंडो ओपन करके बच्चों के साथ सिटिंग उधर बेडरूम में हम बैठे रहे, वहाँ पर बस कूलर में और मेरे बच्चे। फिर ये देखे हमारे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड ने फिर हमें मैंगो काट के दिए, हमने वो खाए। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। तो उनको पता है कि मैं मतलब गर्मी से मेरी कितनी जान जाती है, तो इसलिए किसी ने आज मुझे नहीं बोला कि खाना बनाओ या कुछ करो, सो स्वीट ऑन दे, है ना। तो किसी ने नहीं कहा, फिर मैंने कहा चलो जी शुक्रिया, पर मुझे खुद ही शर्म वैसे आ गई। तो मैंने कहा चल शाम को कुछ करती हूँ, देखती हूँ इजी इजी क्या बनता है कि मतलब मेरे, मुझे गर्मी रहती लगे। फिर ये देखे ये मैंने आइसक्रीम बनाई हुई है घर में, उस दिन बनाई थी, 2-3 days before मैंने बनाई थी वनीला आइसक्रीम। तो ये पड़ी थी, फिर मैंने कहा चलो ये इनको देती हूँ। फिर मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उस पर ना आमंड उनको क्रश करके तो वो डाल देती हूँ, तो वो पिस्ताशू भी डालती हूँ, लेकिन आज सबने कहा था कि सिर्फ आमंड डाल के देना। तो फिर मैंने उनको सबको आमंड डाल के ऊपर ये छोटे छोटे काट के ना, तो कुतर कुतर के छोटे छोटे चूहों की तरह कुतर के तो वो फिर इनको दिए। तो सब ने बड़े मज़े मज़े खाए, पर मैंने देखा कौन सा बड़ा बॉल है जो मैं लूँ। लालची बच्चा फिर आ गई ना बात, बच्चे वाली, दिल तो बच्चा है। तो दिल के बच्चे ने कहा कि वो लो जो सबसे बड़ा वाला बॉल होगा, पर कोई नहीं मैं इतनी ईमानदार हूँ देखो यार, कि मैंने तीनों बॉल्स में ना
इक्वल डाली थी। बच्चों छोटे इन दोनों ने तो शैलेट विंकल ने खा ली थी, अपनी आइस लॉलीज थी वो लेके आई थी, वो उन्होंने खाई। तो फिर ये हम तीनों के लिए, मेरे भाई के हस्बैंड के और मेरे लिए, तो मैंने ये बना ली। मैंने कहा चलो ऐसे हम खा लेते, थोड़ा सा दिल को ठंडक पहुँचानी है ना इसलिए। तो पर मजाल है जो कोई ठंडक पड़ जाए, तो आज तो ठंड ही नहीं पड़ रही थी, पता नहीं क्यों। कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, बस इतनी गर्मी। अभी भी देखे पता नहीं मिड नाइट शायद हो गई है, लेकिन अभी भी इतनी हॉट है। और आई हर्ड के नेक्स्ट वीक जो वीक है ना प्रोबेबली उसमें भी ऐसे ही रहेगी। पर मैं कहती हूँ हाय ना या अल्लाह, ऐसा कुछ ना हो, ऐसी गर्मी ना हो, बहुत हॉट है। तो ये देखे जी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई। मैंने कहा चलो ठंडी ठंडी आइसक्रीम दूँ ठंडे ठंडे लोगों को, ताकि इनको ठंडक पड़े। तो देखे मैंने सोचा, मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो सबसे इजी यार दाल चढ़ी निब्बे नाल है। बस जी फटाफट मैंने दाल और चावल बनाए। इतना मैं शुक्रगुजार ना इस दाल का, मैं कहती दाल दिल करता है मैं तो मैंने चूम लूँ। चूमना क्या, मैं तो उसको खा ही जाती हूँ एनीवेज, इतनी पसंद है। मतलब देखो ना वेदर कहता है कि कौन खड़ा होकर भूनना है, ये भूनो वो भूनो। ये देखिए ये बच्चों को दोपहर को खिला दिया खाना, और मैं खा लो चुप करके। तो दाल ऐसी अजीब मज़े की चीज़ है कि बस पानी डालो उसमें, मसाले डालो, रख दो। और राइस मैं बॉईल करके खाती हूँ, तो मैंने कहा चलो जी ये फटाफट बनाऊँ। तो बस ये खाना अभी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो गाइस होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन एंड अगेन आई रिपीट ऑल द टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और ये है कि क्या सब्सक्राइब, चलो चलो शाबाश कर लो सब्सक्राइब। हाँ हाँ ये आप आई एम टेलिंग यू यस यस गुड गुड सब्सक्राइब करो शाबाश, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस। ये है कि इसी तरह हम एक दूसरे का साथ दें तो बहुत अच्छा होता है, कहाँ की कहाँ बात पहुँच जाती है यू नो। तो ये यस्टरडे मैंने मंगवाई थी ग्रीन चिलीज, यू नो मिर्चें, बुलेट वाली भी और दूसरी वाली भी। तो फिर ये है कि इनको मैं टिश्यू से साफ़ करके इनको रख दिया, तो मैं धो के नहीं रखती फ्रिज में, क्योंकि धो के रखो तो ये ना ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्द। तो मैं क्या करती हूँ टिश्यू से साफ़ करके तो इनको ये कंटेनर्स में रख देती हूँ, तो फिर ये लास्ट लॉन्ग जाती हैं, काफ़ी देर तक मेरी चली जाती हैं। आई मीन काफ़ी देर, ये नहीं कि ओए सर्दियाँ बीत गई, ऐसे नहीं होता वो वाला काफ़ी देर नहीं, आई मीन कुछ दिन चली जाती हैं। यार एक तो आप लोगों को ना मुझे तफसील से बताना पड़ता है कि सदियां वो नहीं, ये वो कभी कभी वो कुछ दिन वाली बात है। तो बस इनको साफ़ सुथरा करके मये से तो मैंने बस इनको रख लिया। तो मैंने कहा चलो कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिनमें जब तक ये ना डालो तो खाने में जान नहीं आती, तो इसलिए मुझे खाने में जान लाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग भी क्या करें यार, फील फ्री करो, अगर कुछ पूछना तो पूछो, कोई इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड आस्क मी, ऑनेस्टली आई डोंट माइंड यू नो। तो ये है कि कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करो, मुझसे बात किया करो, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरा प्रोग्राम देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है। तो ट्रस्ट मी इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप लोग देखोगे और मुझे अप्रिशिएट करोगे। तो ये है कि फिर सब्सक्राइब कर लिया ना, हाँ आप लोगों ने, ये जो देख रही हूँ ना आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को ही मैं कह रही हूँ, ठीक ठीक हाँ जी, इधर उधर ना देखे, मैं आप लोगों को ही कह रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। और हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन या सो आप लोगों को मेरे वीडियो सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो ये देखे जी मैंने अपने वो ग्रीन जो बुलेट चिलीज हैं वो कैसे रखती हैं, अब ये भी ऐसे करके इनको भी मैं बंद करके रख दूँगी, ये भी कुछ दिन चलेंगी मेरी, ठीक है। फिर कोरिएंडर था उसको भी मैंने क्या किया, वो भी मैं धो के नहीं रखती उसको, बस उसका उनके वो बूंडे काट के ना उनकी ये जो एक्स्ट्रा होते हैं इनको काट के ना बचपन में पता है कई माए अपने बच्चों को ना वो याद है वो जो सुरमा लगा देती है ऐसे बूंडे की इश्ती थी वो वाले बस मैंने काट दिए। यार खुश रहा करो, खुश रहा करो प्लीज़, ठीक है।
तो ये है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और बहुत खुश होंगे आप लोगों के कमेंट देखकर अगर अच्छे अच्छे करोगे तो। और ये कि अपनी दुआओं में याद रखा करो और खुश रहने की कोशिश किया करो। कोई गम आए तो गम को कहे चल चल गम तेरा क्या काम, हम खुद ही बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। गम को कह दिया करो चल जा यार तेरी कोई जगह नहीं हमारे पास, है ना। खुश रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट किया करो खुश रखने के लिए। यू नो सबसे बड़ा जो हमारा वो है ना बेस्ट फ्रेंड, वो हमारा अपना आप है। हम अपने आप को खुद को मोटिवेट करेंगे तो वी विल बी मोटिवेटेड। तो कोई हमें मोटिवेट करे तो हम इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, बाजी की क्या तुझे सुन नहीं समझ आई, है ना। तो बस ये है कि अम्मा वडी नहीं मैं बन रही, मैं वैसे नसीहत नहीं मैं कर रही, वैसे जनरल बात कर रही हूँ। जिनको अच्छी लगे तो बता दीजिएगा, जिनको बुरी लगी हो तो की कर सकनी आप हैं, खुश रहा करो। इतनी गर्मी थी तो फिर मैंने एक छोटा ही वाला स्प्राइट का निकाला और पी लिया, क्योंकि मैंने कहा नहीं पाई अपने आप को, तो मुझे ठंड ही नहीं पड़ रही थी, मैं करती क्या। तो देखें जी राइस कितने खूबसूरत हो गए है ना, बस राइस भी बन गए तो दाल भी बस बन गई। दाल को भी तड़का वड़का लगाऊंगी, तो बच्चे गार्लिक नहीं खाते, उनको गार्लिक से वो होता है कुछ के मामा ये क्यों डाला है इसमें, तो इसलिए फिर कोशिश करती हूँ तो कि जो है ना तड़का वो उसका लगा लूँ, ज़ीरे का लगा लेती हूँ। वो ये है कि वो बच्चे उन्होंने इतना नहीं पता चलता कि कुछ मामा ने ऐसा वैसा कुछ किया, तो वो फिर मज़े से ना खा लेती हैं। क्योंकि ये दाल चावल तो आपको पता ना हर फैमिली की फेवरेट डिश होती है, हर घर में दाल चावल जो है ना फेवरेट मानी जाती है। तो ये है कि ये था जी आज का मेरा सारा व्लॉग, आज की सारी बातें। तो बस खुश रहा करें, खुश रखा करें एक दूसरे को, और अपने आप को मोटिवेट करते रहा करें कि आई विल डू दैट एंड आई हैव टू डू दैट, है ना। तो देखना सब कुछ कैसा अच्छा अच्छा हो जाए करेगा, ठीक है ना। जब भी डीमोटिवेट हो अपने आप को कहा करो कि यस मोटिवेट मी, आई वांट टू डू दिस, ठीक है ना। तो सब कुछ सही हो जाए करेगा। तो होप एंजॉय किया होगा, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और अपनी दुआओं में याद रखा करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओ हाँ हाँ लिसन ओ कितने चले गल सुनो, थम्स अप ज़रूर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है ना। तो अभी मेरा ख्याल करते जाने का टाइम होगा, ये देखना ये आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है तो ये है कि बस कोशिश करूँगी अब दोबारा फिर आऊँ एक अच्छी वीडियो के साथ। कल एक डिश बना रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो डिश चाइनीज़ डिश है अगर आप लोगों को चाहिए उसकी रेसिपी, तो प्लीज़ अभी मुझे इस वाले वीडियो में कमेंट करना ताकि मैं कल आपको उसकी रेसिपी दे सकूं, ठीक है। तो चिली चिकन है, अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आस्क मी है कमेंट बॉक्स में, आई विल टेल यू। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।